मेरा नाम है मुकुल शर्मा और टेक स्टफ के एक और एपिसोड में मैं आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में भी आपको बहुत सारे लीक्स, बहुत सारा फन और बहुत सारा एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 2518 का आज की वीडियो का लाइक टारगेट है। और स्पीकिंग ऑफ लाइक टारगेट, कुछ टाइम पहले यार यूट्यूब ने मेरे को एक मेल भेजा है माई ईयर इन रिव्यू करके, और उसमें यूट्यूब ने बताया कि आप लोगों ने 7.5 लाख से ज्यादा बार वो जो लाइक वाला बटन होता है ना उसको हिट किया 2020 में, और मैंने 9500 मिनट से ज्यादा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया 2020 में। सो स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी ने धमाका अच्छा खासा किया है इस साल, बट अगले साल मैं ट्राई करूंगा कि और ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं और आप लोगों के और ज्यादा लाइक्स हमारी वीडियो पे हमें देखने को मिले। बहरहाल अभी के लिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज की वीडियो शुरू करते हैं आईक्यू के साथ। आईक्यू जल्दी ही एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है चाइना में। ये एक मिड रेंज 5G स्मार्टफोन होगा और इस स्मार्टफोन का नाम होगा आईक्यू U3। अब यार अभी के लिए आईक्यू ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, बट जो हमारे JD साहब है ना, jingdong.com, JD साहब ने ऑलरेडी बोल दिया कि यार आईक्यू U3 स्मार्टफोन कुछ ऐसा दिखेगा। दो अलग अलग कलर वेरिएंट्स में स्मार्टफोन लॉन्च होगा। 6.58 इंचेस की आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे IPS LCD पैनल 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। पीछे की तरफ होंगे दो कैमरास, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर, 6GB/8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, एंड्रॉइड 10, 5000mAh बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ आईक्यू U3 स्मार्टफोन हमें जल्द ही चाइना में देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्मार्टफोन का इंडिया में वेट कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा मिड रेंज स्मार्टफोन है, 17-18 हज़ार की रेंज का है, इंडिया में ये स्मार्टफोन कुछ 3-4-5 महीने बाद ही लॉन्च होगा। आएंगे आईक्यू के स्मार्टफोन्स, बट उनके लॉन्च में अभी टाइम है। और गाइस आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही खतरनाक स्मार्टफोन की तरफ। मैं बात कर रहा हूं इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 स्मार्टफोन की। ये इतना बड़ा नाम है, बट इस स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो ये स्मार्टफोन एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। 6,000 रुपए का इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा 16 दिसंबर को। अभी आज 14 हुई है, 2 दिन पहले ही इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है फ्लिपकार्ट के थ्रू हमें पता चल चुकी है। स्मार्टफोन में आपको एक HD प्लस पैनल देखने को मिलेगा, साथ में एक अनस्पेसिफाइड प्रोसेसर है। मतलब आज के जमाने में एक ब्रांड अगर अपने प्रोसेसर को मेंशन ही नहीं कर रहा तो मेरे हिसाब से कोई अच्छी चीज नहीं है। 5000mAh जिसमें बैटरी होगी। अगर आप इन्फिनिक्स स्मार्ट HD 2021 में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये फ्लिपकार्ट पे 16 दिसंबर ऑनवर्ड्स देखने को मिलने वाला है। कैसे लगा आपको, कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन? मेरे को तो ऑनेस्टली ये स्मार्टफोन पसंद नहीं आया स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, बट आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और गाइस आगे बढ़ते हैं वीवो की तरफ। वीवो जल्दी ही लॉन्च करने वाला है अपनी वीवो X60 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स। मैंने आपको वैसे बता दिया ऑलरेडी, बहुत सारे लीक्स वगैरह ना वीवो X60 सीरीज के निकल के आते रहे हैं, बट अब फाइनली कंपनी ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है वीवो के थ्रू वीवो ने कंफर्म किया है कि वीवो X60 सीरीज 2020 के दिसंबर महीने में ही चाइना में लॉन्च होने वाली है, और इंडिया में भी ये सीरीज हमें जल्दी ही देखने को मिलेगी। वीवो X60 और X60 प्रो का जो रियर पैनल है ना, वो भी कंपनी ने ऑफिशियली यहां पे टीज कर दिया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, एक स्मार्टफोन में Vivo X60 में आपको 3 कैमरास देखने को मिलेंगे और X60 Pro में होंगे 4 कैमरास। एक पेरिस्कोपिक, वो जो खोपचा है ना छोटा सा, ये स्क्वायर वाला, ये पेरिस्कोपिक लेंस होगा। गिम्बल आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा, बट अल्ट्रा स्टेडी गिम्बल होगा, जो कि Vivo X60 सीरीज में पहली बार यूज किया जाना है पूरे वर्ल्ड में। सो यस, एक इंटरेस्टिंग सीरीज है Vivo की तरफ से, और ये दिसंबर महीने में हमें चाइना में देखने को मिलने वाली है। और गाइस आगे बढ़ते हैं Oppo की तरफ। Vivo की बात होगी, iQOO की बात होगी, तो Oppo कह रहा है कि यार हम भी अपनी Reno 5 सीरीज को जल्द ही ग्लोबली लॉन्च करने वाले हैं। इंडिया में भी ऑफ कोर्स Oppo Reno 5 सीरीज जल्द ही देखने को मिलने वाली है। और आज Oppo Reno 5 जो स्मार्टफोन है वो थाईलैंड की NPTC सर्टिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर चुका है। दैट मींस हमें थाईलैंड में, एशियन मार्केट्स में और इंडिया में Oppo Reno 5 सीरीज के स्मार्टफोन जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस Oppo की बात करें तो Oppo ने कुछ टाइम पहले ना अपना एक खींचा तानी वाला रोलेबल स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस किया था। ये एक कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन था, और आज ओप्पो ने एक और नया कॉन्सेप्ट अनवेल कर दिया है। ये स्मार्टफोन में आपको फोल्ड तो देखने को मिलेंगे, बट 2 फोल्ड होंगे, मतलब 2 अलग अलग जगह पे इसकी क्रीज बनेगी। ट्रिपल फोल्डिंग स्मार्टफोन ओप्पो की तरफ से हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये एक अजीबो गरीब सा स्मार्टफोन है और अलग अलग जगह से ये फोल्ड होगा। तीनों स्क्रीन को आप अलग अलग तरीके से भी यूज कर पाएंगे, अनलिमिटेड यहाँ पे यूज केसेस हैं। और आई डोंट नो, ऐसा स्मार्टफोन कमर्शियली हमें कब देखने को मिलेगा, बट 2021 ना यार, ट्रस्ट मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग साल होने वाला है। ऐसे आड़े तिरछे रंग बदलने वाले फोल्ड, बिल्ड, रोलेबल, वोलेबल सारे स्मार्टफोन हमें 2021 में देखने को मिलने वाले हैं।
और गाइस आगे बढ़ते हैं Huawei की तरफ। यार आज की टेक स्टफ में ना बहुत सारी लॉन्चेस से पर्दाफाश होता जा रहा है, और Huawei Nova 8 सीरीज जिसका वेट बहुत टाइम से लोग कर रहे थे यार, और मेरे से भी लोगों ने पूछा कि यार भले ही ये स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में नहीं लॉन्च हो रही, बट इसमें सुनने में आ रहा है कि कैमरास वगैरह हमें बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, सो कब आएगी। Huawei ने आज फाइनली कंफर्म कर दिया ऑफिशियली कि Huawei Nova 8 सीरीज दिसंबर 23 को चाइना में लॉन्च होने वाली है। इसमें एक अजीबोगरीब सा ओवल शेप्ड रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा, और ये इंडिया में आई एम नॉट सो श्योर कि Huawei Nova 8 सीरीज आएगी कि नहीं आएगी, बट Honor के कुछ डिवाइसेस हमें जल्द ही इंडिया में भी देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस आगे बढ़ते हैं Micromax की तरफ। Micromax के इन सीरीज के दो स्मार्टफोन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, और एक और स्मार्टफोन इज ऑलरेडी इन द वर्क्स, इट्स ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। बट यार Micromax अब अपने टीवीज को भी इंडिया में जल्दी लॉन्च करने वाला है। मैंने आपको कुछ टाइम पहले वैसे बताया था कि Micromax कैनवस सीरीज का एक टीवी इंडिया में जल्द ही आने वाला है, बिकॉज इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे ये जो टीवी था लिस्ट हुआ था, बट आज एक और 32 इंच का Micromax का टीवी BIS पे लिस्ट हो चुका है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं इसका मॉडल नंबर। Micromax तरफ से जल्दी ही हमें अच्छे अच्छे टीवीज भी इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस आगे बढ़ते हैं नोकिया की तरफ। नोकिया ने फाइनली अपना नोकिया प्योरबुक X14 लैपटॉप लॉन्च कर दिया इंडिया में। 90,000 के आसपास प्राइसिंग पहले लिस्ट की थी नोकिया ने, और नोकिया ने मेरे हिसाब से यहां पे ट्राई किया है, मतलब लिस्टेड प्राइस था, बट हो सकता है कि ट्राई किया हो पहले महंगा दिखा के बाद में सस्ता करके लॉन्च करने वाला जो जुगाड़। तो नोकिया का ये जो प्योरबुक X14 लैपटॉप है उसकी इंडिया में प्राइसिंग रखी गई है 59,990 रुपीज, दैट इज 60,000 रुपए का ये लैपटॉप लॉन्च किया गया। इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने आपको सुबह की टेक्स्ट में बताई थी, फिर से यहां रिपीट नहीं करूंगा, आप सुबह की जाके टेक्स्ट चेकआउट कर सकते हैं। और आप मेरे को बताओ यार कि 60,000 की रेंज में भी क्या ये लैपटॉप डिजर्व करता है, मतलब इस प्राइस का जो टैग है, मतलब मेरे को तो अभी भी लग रहा है कि ये जो लैपटॉप है थोड़ा सा महंगा है, बट आपकी जो ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मेरे हिसाब से यार 60,000 में देर आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, बट अगेन अभी टेस्टिंग के लिए अगर आया मेरे पास तो उसके बाद ही मैं आपको ढंग से अपनी ओपिनियन बता पाऊंगा। आप अपनी ओपिनियन वैसे हमें अभी बता सकते हैं। और गाइस आगे बढ़ते हैं Xiaomi की तरफ। फाइनली यहां पे Xiaomi के Mi 11 स्मार्टफोन की भी लॉन्च डेट लीक हो चुकी है। अभी के लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई, बट Gizmo China जी ने, मतलब Gizmo China जो पब्लिकेशन है, उन्होंने एक्सक्लूसिवली हमें बताया कि यार ये जो स्मार्टफोन होगा या ये जो स्मार्टफोन सीरीज होगी दिसंबर 29 को चाइना में लॉन्च होने वाली है। सुबह की टेक्स्ट में आपको बोला था ना कि यार क्रिसमस से लेके न्यू ईयर के बीच में हमें ये सीरीज देखने को मिल सकती है चाइना में। अब देखो मेरा वाला लीक और यहां पे एक्सक्लूसिव लीक भी मैप हो गए कहीं ना कहीं। सो 29 दिसंबर को Mi 11 स्मार्टफोन एटलीस्ट हमें चाइना में देखने को मिलने वाला है, और इंडिया में भी वैसे ये स्मार्टफोन सीरीज हमें जल्दी ही देखने को मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और गाइस आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन अगर आपने किसी भी कारणवश किसी भी रीजन की वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल रंग का सब्सक्रिप्शन वाला बटन है उस पर आप उंगली मार के हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप दबाना मत भूलना, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके डिवाइस पे मिलती रहे। और यार जो हमारे करंट एग्जिस्टिंग स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी मेंबर्स हैं उन लोगों को भी मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा। इस हफ्ते कुछ अनबॉक्सिंग वीडियोस भी आनी है हमारे चैनल पे, सो यार दो टेक्स्ट स्टफ तो आएंगे, बट जब तीसरी वीडियो आती है ना कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कम्युनिटी में मैं पोस्ट वगैरह कर दूंगा, स्टिल 12 बजे के आसपास आपको पता है जब यूजुअल अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह आती हैं हमारी वीडियो भी आप पक्का से चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस आज की न्यूज खत्म करते हैं Realme के साथ। Realme का कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक एक्सक्लूसिव लीक दिया था, मुकुल शर्मा ने ट्वीट भी किया था और वीडियो में भी बताया था, एक ही हूं मैं बंदा फिर से बता रहा हूं कि Realme के एक नए TWS भी हमें जल्द ही इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। याद है वो मैंने बोला था बर्ड्स ME Air Pro Realme, मैंने कहा था गेस करके बताओ कि क्या हो सकता है ये प्रोडक्ट। कई लोगों ने कहा कि Realme Buds Air Pro आ रहे हैं, कई लोगों ने कहा गिव अवे आ रहा है, कई लोगों ने ये भी कहा कि Realme और Redmi का एक कलैब TWS इंडिया में लॉन्च होने वाला है। मजा आ गया, मतलब तरह तरह के कमेंट्स मैंने पढ़े आप लोगों के, और यस बहुत सारे लोगों ने इसको सही भी गेस किया था। इंडीड Realme Buds Air Pro ME और द Realme Buds Air Pro Master Edition इज लॉन्चिंग इन इंडिया 23 दिसंबर को ये TWS लॉन्च होने वाले हैं। नॉट जस्ट दिस TWS, Realme Watch S और Realme Watch S Pro, ये तीनों की तीनों चीजें 23 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं। आपको मैं यहाँ पे एक प्रमोशनल पोस्टर दिखा रहा हूँ Realme Buds Air Pro Master Edition का। मेरे हिसाब से वो जो ईयरफोन है उसको कान में ढंग से घुसेड़ा नहीं गया, यहाँ पे कुछ एडिटिंग ओपी की गई है, बट आपका क्या कहना है वैसे इन TWS के बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं।
और गाइस लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा Realme X7 Pro स्मार्टफोन की। Realme X7 सीरीज वैसे इंडिया में भी जल्दी ही लॉन्च होने वाली है, बट फिलहाल के लिए 17 दिसंबर को Realme X7 सीरीज थाईलैंड में लॉन्च हो रही है। और राइट अहेड ऑफ द लॉन्च 2-3 दिन पहले ही Realme X7 Pro स्मार्टफोन का 8GB 128GB जो वेरिएंट है वो थाईलैंड में ऑफिशियली लिस्ट हो चुका है। इसकी प्राइसिंग वहां पर रखी गई है 16,990 baht, मतलब ये जो उनकी प्राइसिंग है थाईलैंड की करेंसी जो है अगर आप उसको कन्वर्ट करो तो ये बनता है अराउंड $564। इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करो तो बनता है अराउंड 42,000 rupees। तो इससे एक आइडिया हो गया कि ग्लोबल प्राइसिंग जो होगी ना वो चाइनीज प्राइसिंग से ज्यादा होगी। सो एक्सपेक्टेशन इंडियन प्राइसिंग की भी हमें थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि यार इंडियन प्राइसिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी, 42,000 का नहीं आएगा Realme X7 Pro। इंडिया में कम प्राइसिंग ही एक्सपेक्ट कीजिए। बट डायरेक्ट आप अगर ट्रांसलेट कर दोगे ना युआन को इंडियन रुपीज में तो इतनी कम प्राइसिंग पे भी Realme X7 Pro स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होने वाला। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट उससे पहले देख लेते हैं कल का पोल। कल मैंने आपसे पूछा था कि यार टेक स्टफ के अलावा आप कौन कौन सी वीडियोस हमारे चैनल पे देखना चाहते हो या देखना पसंद करते हो। 55% लोगों ने कहा है कि यार कंपैरिजन वीडियोस चाहिए हमें। सो आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने ये पोल रखा था। और डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पे जल्दी ही कंपैरिजन वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। और आज की वीडियो का वैसे पोल ये है कि कितने लोगों के पास यहाँ पे जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें एक 3.5mm हेडफोन जैक है। क्या आपके स्मार्टफोन में एक 3.5mm हेडफोन जैक है और क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कमेंट सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। और गाइस वीडियो करते हैं खत्म, बट उससे पहले देख लेते हैं स्टफ यू शुड नो। कौशल साईं जी ने आई होप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रोवाइड किया, अभी तक पढ़ा नहीं है। वो कह रहे हैं मुकुल शर्मा ओन्स अ ट्विटर अकाउंट एंड अ यूट्यूब चैनल नेम्ड स्टफ लिस्टिंग्स। सम इंटरेस्टिंग स्टफ दैट वी ऑल शुड नो। और वीडियो खत्म करने से पहले देखते हैं कल के बेस्ट कमेंट्स। आप लोगों के कमेंट हम लोगों को बहुत पसंद है, आज की वीडियो में भी कमेंट कीजिए सो दैट आपके कमेंट्स में ऐसे ही टेक्स्ट में फीचर करता रहूं। सो गाइस ये थी शाम के 5:50 वाली टेक्स्ट ऑफ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल सुबह 9 बजे चाय के एक ताजा कप के साथ फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, जय हिंद।